नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंजर रेगिस्तान, जहां पानी की एक बूंद भी मुश्किल से मिलती है, वहां हरे भरे खेत कैसे लहलहा सकते हैं, वो भी बिना पानी बर्बाद किए? अब आप सोच रहे होंगे, ये तो नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, इजराइल ने इसे सच कर दिखाया है। इस छोटे से देश ने अपने रेगिस्तानों को खेती के लिए उपजाऊ बना दिया, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जो दुनिया को बदल रही है। और हाँ, भारत के लिए भी ये कहानी खास है। हमारे राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में, जहां बारिश बस नाम की होती है, क्या हम भी इजराइल की तरह खेती का चमत्कार कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इजराइल की उन गजब की तरकीबों को जानेंगे जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाती हैं। पानी कहां से आता है, मिट्टी की ताकत कैसे बनी रहती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टेक्नोलॉजी भारत के किसानों की जिंदगी बदल सकती है? हर कुछ मिनट में एक नया राज खुलेगा, तो आखिर तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। इजराइल एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के किनारे बसा है। इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, जहां साल में सिर्फ 1 से 12 इंच बारिश होती है, वो भी सिर्फ सर्दियों में, बाकी महीनों में सूखा। सोचिए, ऐसे में खेती करना कितना मुश्किल है। फिर भी इजराइल की खेती पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां के किसान और वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें ईजाद की हैं जो पानी और जमीन का सही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आखिर वो क्या करते हैं जो रेगिस्तान को खेतों में बदल देता है, और क्या ये तरीके हमारे राजस्थान जैसे इलाकों में काम कर सकते हैं? चलिए अगले हिस्से में इसका राज खोलते हैं। पानी की कमी, सबसे बड़ा चैलेंज। इजराइल में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। इतने सूखे में खेती कैसे हो? लेकिन इजराइल ने इसे चुनौती की तरह लिया। वो समुद्र के खारे पानी को पीने और खेती के लायक बनाते हैं। कैसे? डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए। ये प्लांट्स समुद्र के पानी से नमक निकालकर उसे साफ करते हैं। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं। ये प्रक्रिया महंगी है और ढेर सारी बिजली खाती है। तो इजराइल इसे कैसे मैनेज करता है, और क्या इस पानी को बिना बर्बाद किए खेतों तक पहुंचाना मुमकिन है? अगले हिस्से में जानिए कैसे इजराइल हर बूंद को कीमती मानता है। डीसैलिनेशन, समुद्र से पानी का जादू। इजराइल के डीसैलिनेशन प्लांट्स समुद्र से पानी खींचते हैं और उसे कई फिल्टर्स से गुजारते हैं। पहले बड़े कण निकाले जाते हैं, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से नमक और दूसरी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। ये तकनीक इतनी शानदार है कि पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, लेकिन इतना शुद्ध कि उसमें मिनरल्स वापस डालने पड़ते हैं ताकि वो पीने और खेती के लिए सही हो। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में ढेर सारी बिजली लगती है। फिर भी इजराइल ने नए नए प्लांट्स बनाए ताकि पानी की कमी न हो। लेकिन क्या सिर्फ पानी बनाना काफी है? आखिर खेतों तक पानी कैसे पहुंचता है बिना लीक हुए? अगले हिस्से में इसका जवाब मिलेगा। इजराइल जानता है कि पानी रेगिस्तान में सोने जैसा है, इसलिए वो पाइपों में छोटी सी रिसाव को भी बर्दाश्त नहीं करते। उनके पास सेंसर लगे हैं जो रिसाव को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से उनका पानी का नुकसान सिर्फ 7 से 8% है, जबकि दुनिया में ये 30% तक होता है। और तो और, इजराइल 80% से ज्यादा पानी को रिसाइकिल करता है। खेतों और घरों से निकला पानी साफ करके फिर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये पानी खेतों में कैसे जाता है, और कैसे इजराइल इतने कम पानी में इतनी खेती करता है? अगले हिस्से में जानिए उनकी स्मार्ट इरिगेशन की कहानी। इजराइल के किसान पानी को बर्बाद नहीं होने देते। वो प्रिसीजन इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर पौधे को उतना ही पानी मिलता है जितना जरूरी है। इसमें ड्रिप इरिगेशन सबसे खास है। पाइप जमीन के पास या नीचे होते हैं, जो सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं। इससे पानी कम लगता है और बाष्पीकरण नहीं होता। भारत में भी तो राजस्थान के कुछ किसान ड्रिप इरिगेशन आजमा रहे हैं, है ना? लेकिन इजराइल ने इसे और बेहतर कैसे किया, और क्या ये तरीका चावल गेहूं जैसी फसलों के लिए भी काम करता है? अगले हिस्से में इसका जवाब है। ड्रिप इरिगेशन से इजराइल में फल सब्जियों के साथ साथ चावल, गेहूं, मक्का जैसी फसलें भी उगाई जा रही हैं। स्टडीज बताती हैं कि ड्रिप इरिगेशन से चावल की पैदावार बढ़ती है, 70% कम पानी लगता है, और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होता है। इतना ही नहीं, आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व भी 90% कम हो जाते हैं। सोचिए, इतने फायदे। लेकिन क्या इजराइल ने यहीं रुक गया? नहीं, उन्होंने एक और टेक्नोलॉजी बनाई जो खेती को और स्मार्ट बनाती है। वो है क्या? अगले हिस्से में जानिए वेरिएबल रेट इरिगेशन का कमाल। वेरिएबल रेट इरिगेशन (VRI) एक ऐसी तकनीक है जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर मिट्टी की नमी,
पोषक तत्व और मौसम को चेक करते हैं। फिर हर पौधे को बिल्कुल सही मात्रा में पानी दिया जाता है। दो पौधे पास पास हों तो भी उन्हें अलग अलग पानी मिल सकता है। ये तकनीक इतनी शानदार है कि पैदावार बढ़ती है और पानी की बर्बादी जीरो। और मजे की बात, इसे पुराने इरिगेशन सिस्टम्स में भी जोड़ा जा सकता है। भारत के किसान भी तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? लेकिन क्या सिर्फ पानी और इरिगेशन से काम चलता है? मिट्टी का क्या? अगले हिस्से में जानिए कैसे इजराइल मिट्टी को बंजर होने से बचाता है। रेगिस्तान में मिट्टी जल्दी बंजर हो सकती है, लेकिन इजराइल के किसान मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर रखते हैं। वो हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसे तरीके अपनाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी की जरूरत ही नहीं, पौधे पानी में उगते हैं जिसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इससे पानी और जगह की बचत होती है। वर्टिकल फार्मिंग में ग्रीन हाउस में कई लेयर में फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन कीड़े और खरपतवार का क्या? क्या इजराइल के रेगिस्तान में ये समस्या नहीं होती? अगले हिस्से में जानिए कैसे वो कीटों से निपटते हैं। रेगिस्तान में भी कीड़े और खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इजराइल के वैज्ञानिकों ने खरपतवार को मारने के लिए खास पॉलन बनाए जो हर्बिसाइड्स से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये पॉलन खरपतवार की प्रजनन प्रक्रिया को रोकते हैं और इंसानों या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। साथ ही इजराइल शेड क्लॉथ का इस्तेमाल करता है जो धूप से फसलों को बचाता है और पानी के बाष्पीकरण को कम करता है। लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी है? क्या फसलें चुनने में भी कोई राजक है? इजराइल सूखे के लिए मेल खाने वाली फसलों को चुनता है, जैसे रामोन बादाम जो सूखे में भी बढ़िया उगता है, नींबू के पेड़ भी जो कम पानी में फेंक साइथेसिस कर लेते हैं। वैज्ञानिक ऐसी बीज बना रहे हैं जो कम पानी में ज्यादा पैदावार दें। सोचिए अगर भारत में राजस्थान के लिए ऐसे बीज बने तो क्या होगा? लेकिन क्या ये तकनीक पूरी दुनिया की भूख मिटा सकती है? दोस्तों, इजराइल ने रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल कर दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी असंभव नहीं। डीसैलिनेशन से लेकर ड्रिप इरिगेशन, वेरिएबल रेट इरिगेशन और सही फसलों के चयन तक उनकी हर तकनीक पानी और जमीन का पूरा सम्मान करती है। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं बल्कि उम्मीद की मिसाल है। भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है। हमारे राजस्थान, गुजरात जैसे सूखे इलाकों में ऐसी टेक्नोलॉजी किसानों की तकदीर बदल सकती है। सोचिए अगर हमारे गांवों में कम पानी में ज्यादा फसल उगने लगे तो कितने परिवारों की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इजराइल की तरह अपनी चुनौतियों को मौका बना सकते हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इजराइल की ये कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी और मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकती है। हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसे तरीके न सिर्फ फसल बढ़ाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचाते हैं। भारत में भी हमें ऐसी तकनीकों को अपनाने की जरूरत है ताकि हमारी खेती स्मार्ट और टिकाऊ बने। क्या आपको लगता है कि हमारे किसान इन तरीकों से अपनी जमीन को और उपजाऊ बना सकते हैं? और क्या सरकारें इन तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचा सकती हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।